नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज योर लकी नंबर। आपका लकी नंबर क्या है? मोस्ट ऑफ पीपल, हिंदू लोग बोलते हैं 108, मुस्लिम बोलते हैं 786, चाइनीज का बोलते हैं 888। वैसे ही आपका कुछ पर्सनल लकी नंबर हो सकता है। हर व्यक्ति का अपना अपना एक लकी नंबर हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन एक लकी नंबर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो है 28,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर इज 28,000। एवरेज नंबर ऑफ डेज अ पर्सन लिव्स इज इक्वल टू 76.7 ईयर। लेट्स अज्यूम इट्स अप्रॉक्स 80 ईयर्स। अब इस 80 साल को हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, 0, 20, 40, 60 और 80। 0 टू 20 के एज में स्टडी, प्ले, नो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। 20 टू 40, फर्स्ट जॉब, फर्स्ट कार, फर्स्ट हाउस, मैरिज, किड्स। 40 टू 60 माइट बी आप जॉब चेंज कर सकते हैं, सेकेंड कार ले सकते हैं, क्योंकि आपकी फर्स्ट कार ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी हो चुकी होगी। सेकेंड हाउस एज एन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। 60 टू 80 रिमेन जो टाइम बचता है वो रिटायरमेंट टाइम होता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 0 टू 20 और 60 टू 80 नो प्रोडक्टिव टाइम, यानी कि इनकम नहीं आता। तो आप सबके पास आपके पूरे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए 14,000 डेज है, जिसमें आपको आपके सारे ड्रीम्स को पूरा करना। ड्रीम्स लाइक हाउस, कार, बिजनेस, हैप्पी रिटायरमेंट एक्सेट्रा। इस दौरान एक व्यक्ति के लाइफ में चार फियर हो सकते हैं। इसमें पहला है, क्या हो सकता है अगर आप 60 साल तक काम नहीं करें, या फिर अगर आप 60 साल तक काम किए तो एक ही चीज़ बचता है, रिटायरमेंट। दूसरा है, क्या होगा अगर आप 60 वर्ष तक नहीं जा सके, मीन्स डेथ हो गई आपकी, आपके बाद आपके फैमिली का क्या होगा। तीसरा फियर है, आपके रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के लिए कितने मनी चाहिए। चौथा फियर, क्या आप इसके प्रति श्योर है कि आपके बच्चे का लाइफ अच्छे फाउंडेशन के साथ स्टार्ट हो सके, और अच्छा फाउंडेशन पाने के लिए उसको अच्छे से एजुकेट करना होता है। तो आपने अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग की है क्या? क्या आप चाहते हैं आपका इनकम प्रोटेक्ट होना चाहिए? आपके रिटायरमेंट के बाद के लाइफ के लिए कितने मनी चाहिए? लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर। आपके साथ सेविंग्स के कुछ रूल शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल है तो आपको आपके इनकम का 60% सेव करना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो जो भी आपका इनकम है उसका 40% आपको सेव करना चाहिए। अगर आपको बच्चे हैं तो आप आज जो भी कमा रहे हैं उसका 20% आपको कंपलसरी सेविंग करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव या शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोज डालूँ उसके अपडेट्स आप तक मिलती रहे। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।